हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर किरण टा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। बच्चों, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में फंजाई के हम जनरल कैरेक्टर्स देख रहे थे, उसी के कंटिन्यूशन में आज हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इन फंजाई, अर्थात कवकों में डिफरेंट प्रकार की जीवन चक्र। तो हम देखते हैं कि फंजाई के अंदर, कवकों के अंदर मुख्य रूप से तीन प्रकार की लाइफ साइकिल पाई जाती है, तीन प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है। पहला है हैप्लोबायंटिक हैप्लोइड टाइप, दूसरा है हैप्लोबायंटिक डिप्लोइड टाइप एंड तीसरा है डिप्लोबायंटिक हैप्लोइड एंड डिप्लोइड टाइप की लाइफ साइकिल। इन लाइफ साइकिल को पढ़ने के पहले हम ये जानना चाहेंगे कि हैप्लोइड सेल और डिप्लोइड सेल क्या होती है। हैप्लोइड का मतलब होता है अगुणित। तो हैप्लोइड सेल वह सेल है जिसके अंदर सिंगल सेट ऑफ, अर्थात एन सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है। नॉर्मली जो सोमेटिक सेल होती है उसमें 2n क्रोमोसोम होते हैं, और हैप्लोइड सेल का मतलब अगुणित, तो उसमें क्रोमोसोम की संख्या हाफ रह जाती है। तो हैप्लोइड सेल वह कोशिका है जिसके अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है। इसके कंपेरिजन में यदि हम डिप्लोइड सेल देखें, जिसको हम हिंदी में द्विगुणित कोशिका कहते हैं, उसके अंदर सेल के अंदर 2n सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। द्विगुणित मतलब दुगुना, ठीक है। तो हैप्लोइड और डिप्लोइड सेल हमने अभी देखी। अब हम इन एक एक जो टाइप की लाइफ साइकिल है उसको हम डिस्कस करते हैं। पहला है हैप्लोबायंटिक हैप्लोइड टाइप की लाइफ साइकिल। ये अधिकतर जो मोस्ट ऑफ द फंजाई जो होती है उसके अंदर इस प्रकार की लाइफ साइकिल पाई जाती है। और इसमें जो हैप्लोबायंटिक शब्द है वो दो शब्दों से मिलके बना है। हैप्लो का मतलब होता है वन, सिंगल, एंड बायोटिक मतलब लाइफ फॉर्म। तो हैप्लोबायंटिक हैप्लोइड से मतलब हुआ कि वे फंजाई जिसके अंदर एक ही प्रकार की लाइफ फॉर्म पाई जाती है, अर्थात दो प्रकार की इसमें नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें थैलस ओनली वन टाइप का लाइफ फॉर्म उसमें डोमिनेटिंग फेज में होता है, और वह भी कैसा होता है, हैप्लोइड होता है। तो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि इसकी पूरी लाइफ साइकिल में जो हैप्लोइड सोमेटिक माइसीलियम है, ये इसकी लाइफ का मेजर डोमिनेटिंग फेज होता है, जो कि किसके द्वारा दर्शाया जाता है, हैप्लोइड। अर्थात जो मेन डोमिनेटिंग फेज है इसके अंदर वह अगुणित कोशिकाएं शो करती है, अगुणित सोमेटिक माइसीलियम को दर्शाते हैं। अब इसकी इस प्रकार का जो जीवन चक्र है उसके अंदर गैमिट एंजल मियोसिस नहीं पाया जाता है। मियोसिस कौन सा होता है इसके अंदर, अर्धसूत्र विभाजन जो है वो जायगोटिक मियोसिस होता है। आपको याद करने का मैं तरीका बताऊं, जब भी गैमिट एंजल मियोसिस का मतलब आप ये समझेंगे कि गैमिट बनने के लिए मियोसिस, और जायगोटिक मियोसिस से आप यूं समझना कि जायगोट में मियोसिस। बात समझ में आ गई बच्चों? गैमिट एंजल मियोसिस हम ऐसे ध्यान रखते हैं इसको, गैमिट बनने के लिए मियोसिस, ठीक है। तो हैप्लोइड एन गैमिट होगा, और जायगोट में मियोसिस, जब जायगोट के अंदर मियोसिस होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, जायगोटिक मियोसिस। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि मियोसिस जब भी शब्द आता है, मियोसिस की जब भी प्रोसेस होती तो जो संतति है उसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाती है। तो हैप्लोबायंटिक हैप्लोइड टाइप की लाइफ साइकिल जो होती है उसमें एक ही प्रकार की लाइफ फॉर्म डोमिनेटिंग होती है, और उसके अंदर जायगोटिक मियोसिस पाया जाता है। और ये जायगोट कब बनता है, 2n, जायगोट का मतलब 2n, ये 2n कब बनता है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उस समय मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होकर के जायगोट बनाते हैं। ये जायगोट एक डॉर्मेंसी फेज में चला जाता है, उसके बाद में उसमें मियोसिस होता है, और उस मियोसिस की वजह से उसमें हैप्लोइड जनरेशन उत्पन्न होती है। तो इसके अंदर जो जायगोट है जो कि डिप्लोइड फेज को रिप्रेजेंट कर रही है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड के लिए होती है, शॉर्ट समय के लिए होती है। तो मेन डोमिनेटिंग फेज कौन सी होगी इसके अंदर, हैप्लोइड सोमेटिक फेज। हैप्लो क्यों कहा, हैप्लोइड सोमेटिक फेज हो गया, और हैप्लो क्यों कहा, क्योंकि इसके अंदर डिप्लोइड फेज इसमें बहुत छोटी सी होती है जो कि जायगोट के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। तो अधिकांश फंजाई में इस प्रकार की लाइफ चक्र पाया जाता है। तो हैप्लोइड सोमेटिक सेल से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान एसेक्सुअल स्पोर्स बन रहे हैं जो कि एन प्रकार के होते हैं, और जब हैप्लोइड सोमेटिक माइसीलियम में पहले गैमिटोजेनेसिस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, तो
गैमेटोजेनेसिस का मतलब गैमिट का जनरेशन होना, मेल गैमेटेंजियम डेवलप होंगे, एप्लोड सोमेटिक सेल्स माइसिलियम पर क्या होगा, पहले गैमेटेंजियम डेवलप होंगे, उसके अंदर मेल और फीमेल गैमिट का निर्माण होगा, फिर ये मेल और फीमेल गैमिट फ्यूज होंगे प्लाज्मोगेमी के द्वारा, एन प्लस एन हो जाएगा, फिर उसमें दोनों की जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है वो फ्यूज हो जाएंगे, कैरियोगेमी हो जाएगी और एक डिप्लॉइड जायगोट का निर्माण होगा, और इस डिप्लॉइड जायगोट के निर्माण के बाद में इसमें जायगोटिक मियोसिस होगा, तो 2n है, फिर मियोसिस हुआ तो उसमें n सेल का डेवलपमेंट हुआ, वो क्या बनाएगी, वो जर्मिनेट होने के बाद में हैप्लॉइड सोमेटिक माइसिलियम बनाएगा। तो इस प्रकार से हैप्लोबायंटिक हैप्लॉइड टाइप की लाइफ साइकिल जो कि अधिकांश फंजाई में पाई जाती है। दूसरी प्रकार की है हैप्लोबायंटिक डिप्लॉइड, अर्थात हैप्लो अगेन, हैप्लोबायंटिक से क्या मतलब हुआ कि एक ही प्रकार का लाइफ फॉर्म, लेकिन कौन सा वाला लाइफ फॉर्म, डिप्लॉइड, द्विगुणित प्रकार का, जो मेन डोमिनेटिंग फेज है वो कैसी होती है, इसमें डिप्लॉइड सोमेटिक माइसिलियम को दर्शाती है, डिप्लॉइड का मतलब अगेन 2n, तो सोमेटिक माइसिलियम से ये हुआ कि जो इसकी हाइफा है, उसकी जो सेल है उसके अंदर 2n अवस्था पाई जाती है, द्विगुणित कोशिकाएं पाई जाती है। तो इसमें भी जो अभी हमने पहले देखा हैप्लोबायंटिक हैप्लॉइड, तो हैप्लोबायंटिक हैप्लॉइड में जो एक ही प्रकार की जो लाइफ अवस्था, जो डोमिनेटिंग फेज है वो हैप्लॉइड थी, यहाँ पर क्या है डिप्लॉइड प्रकार की, इसलिए इसको क्या कहा, हैप्लोबायंटिक डिप्लॉइड प्रकार की। अब इसमें क्या होता है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसके अंदर गैमेटेंजियल मियोसिस पाया जाता है, गैमेटेंजियल मियोसिस होने की वजह से इसमें क्या डेवलप होते हैं, मतलब गैमिट बनने के लिए मियोसिस हुआ, तो गैमिट का फॉर्मेशन हुआ इसके अंदर, और जब वो गैमिट बन जाएंगे तो मेल और फीमेल गैमिट में फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसकी वजह से क्या बनता है, फ्यूजन की वजह से जायगोट का निर्माण होता है, और ये डोरमेंसी पीरियड में नहीं जाते हैं, बल्कि वो एक जो जायगोट बनता है वो पहले वाले केस में तो क्या था, वो डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है, इसमें वो तुरंत जो डिप्लॉयड जायगोट बना है वह जर्मिनेट करके माइसिलियम का निर्माण करता है, अर्थात इसमें जायगोट में म्योसिस नहीं होता है, जायगोटिक म्योसिस में नहीं पाया जाता है, और ये कुछ अपवाद है फंजाई के अंदर, जैसे कि एल्पुगो में इस प्रकार की ओमाइसिटीज के जितने भी मेंबर्स हैं उसमें हैप्लोबायंटिक डिप्लॉइड प्रकार की लाइफ साइकिल पाई जाती है, और इसका एग्जांपल है एल्पुगो जो कि आपके सिलेबस में हम उसमें और देखेंगे। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो एक अवस्था है, जो डोमिनेटिंग फेज है, वो किसके द्वारा दर्शाई जा रही है, इसमें डिप्लॉइड सोमेटिक माइसिलियम जो कि कैसा है 2n है, इसमें एसेक्सुअल साइकिल के द्वारा तो 2n स्पोर बनेंगे, ठीक है, माइटोसिस होगा इसके अंदर, और इस जो सोमेटिक थैलस है इसका जो माइसिलियम है उसके ऊपर, उसमें गैमेटेंजियल म्यूसिस होगा, उसके द्वारा इसमें यहाँ पर स्पेलिंग इसकी गैमेटोजेनेसिस होना चाहिए, तो गैमेटोजेनेसिस होगा, मेल और फीमेल गैमिट बनेंगे, मियोसिस होगा तो नेचुरल है कि उसमें एन सेल्स पाई एल्स एन सेल्स का निर्माण होगा, तो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का निर्माण हुआ, दोनों में प्लाज्मोगेमी हुई, कैरियोगेमी हुई, फिर जायगोट का निर्माण हुआ, और जायगोट के जर्मिनेशन से किसका निर्माण होता है, डिप्लॉयड सोमेटिक माइसिलियम का निर्माण होता है, तो ये अवस्था पाई जाती है इसमें, तो इसके अंदर जो डोमिनेटिंग फेज है वो क्या है, डिप्लॉयड सोमेटिक माइसिलियम, इसका उदाहरण आपको बताया एल्बुगो। अब हम तीसरी प्रकार की जनरेशन को पढ़ते हैं, तीसरी प्रकार की जो लाइफ अवस्था है वो है डिप्लोबायंटिक हैप्लॉइड डिप्लॉइड, अर्थात डिप्लोबायंटिक से क्या मतलब हुआ, डिप्लो मतलब दो, बायंटिक मतलब लाइफ फॉर्म, तो दो प्रकार की लाइफ फॉर्म इसमें इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट पाई जाती है, हैप्लॉइड भी पाई जाती है एंड डिप्लॉइड भी पाई जाती है, तो इस प्रकार की इन दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल बोथ हैप्लॉइड थैलस जिसको हमने क्या बोला गैमेटोथैलस, और डिप्लॉइड थैलस जो कि क्या कहलाता है स्पोरोथैलस, दोनों ही फ्री इंडिविजुअल्स की तरह आपको साइमल्टेनियस दिखाई देते हैं, तो इसमें ये स्पोरोथैलस है, स्पोरोथैलस में ये समझ में आता है हमें कि इसमें 2n सेल्स होती है, तो इसके इसमें जब एसेक्सुअल साइकिल चलेगी इसके अंदर तो उसके ऊपर जू स्पोर्स का निर्माण होगा, वो कैसे होंगे 2n प्रकार के होंगे, और इस स्पोरोथैलस के ऊपर इसकी सेल्स में मियोसिस होगा, मियोसिस के बाद में इसमें जू स्पोर्स बनेंगे जो कि मियोसिस के बाद में n बन जाएंगे, और उसके जर्मिनेशन से जो थैलस का निर्माण होगा वो क्या कहलाएगा गैमेटोथैलस, क्योंकि इसकी हर सेल में जो क्रोमोसोम की संख्या वो एन प्रकार की होगी, ये इंडिपेंडेंट एसेक्सुअल साइकिल करके जू स्पोर एन जू स्पोर बनाएगा, लेकिन इस गैमेटोथैलस पर फिर गैमेटेंजियम का निर्माण होगा, जो गैमेटेंजियम बनेंगे मेल और फीमेल गैमेटेंजियम बनेंगे, उनके अंदर फीमेल और मेल गैमेट का निर्माण होगा, दोनों फ्यूज करेंगे जायगोट का निर्माण होगा, और जायगोट में
बाद में जायगोट जब जर्मिनेट करेगा तो स्पोरोथेलस का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार की ये जो लाइफ साइकिल है जो कि सिर्फ कुछ मेंबर्स में जो कि फेंजाई के लिए अपवाद है, तो ऑर्डर जो ब्लास्टोक्लेडियल्स है उसके मेंबर्स में इस प्रकार की लाइफ साइकिल पाई जाती है। इसका उदाहरण है एलोमाइसिस, और ये हमने एलोमाइसिस की एक लाइफ साइकिल को शो किया है। इसके अंदर एलोमाइसिस के अंदर आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ डिप्लोबायंटिक हैप्लॉइड डिप्लॉइड लाइफ साइकिल पाई जाती है, अर्थात जो इसमें गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक फेजेस है, या यूं कह सकते हैं कि इसमें जो स्पोरोथैलस और गैमेटोथैलस है वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, इसलिए इस प्रकार की लाइफ साइकिल को हम क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसलिए कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दोनों ही लाइफ संस्था आपको सामने दिखाई दे, मतलब इसमें दोनों ही फ्री इंडिविजुअल की तरह होती है, और सोमेटिक स्पोरोथैलस और गैमेटोथैलस एक दूसरे को अल्टरनेट करते हैं, इसलिए इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में कहा है। तो बच्चों आज हमने डिफरेंट तीन प्रकार की लाइफ साइकिल पढ़ी, जिसमें मुख्य रूप से जो लाइफ साइकिल फंजाई में पाई जाती है, मैं निष्कर्ष बता रही हूँ अपनी आज की वीडियो का। तो जो अधिकांश जो फंजाई है उसके अंदर तो हैप्लोबायंटिक हैप्लोइड टाइप की लाइफ साइकिल पाई जाती है। एल्बुगो जो कि ओमाइसिटिस का मेंबर है, तथा दूसरे ओमाइसिटिस के मेंबर में हैप्लोबायंटिक डिप्लोइड प्रकार की लाइफ साइकिल पाई जाती है, जिसके अंदर गैमेट एंजल मियोसिस होता है, और जनरली फंजाई में जाइगोटिक मियोसिस पाया जाता है। और जो डिप्लोबायंटिक हैप्लोइड डिप्लोइड अवस्था है, लाइफ साइकिल है, वो ब्लास्टोक्लेडियल्स ऑर्डर्स में पाई जाती है, जिसका एग्जांपल है एलोमाइसिस, और उसके अंदर भी आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। तो बच्चों थैंक यू, आज मैंने आपको डिफरेंट प्रकार के लाइफ साइकिल पढ़ाया। थैंक यू।